मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जहां पर जनता को सरकार के पास नहीं जाना पड़ता, सरकार स्वयं जनता के पास आती है। मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री ने, जब मैं इस पंडाल में देख रही थी तो हमारी बच्चियों के चेहरे पे जो खुशी है, हमारी माताओं बहनों के चेहरे पे जो खुशी है, जो सबसे सुखवर्धक योजना मुझे लगी वो थी माता किशोरी बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। आज जो हमारी बच्चियां इस पंडाल में बैठी हैं, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो इसकी वजह से है। आप सोचिए कि 23 साल के इस झारखंड में ये एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई जो है कीर्तिमान गढ़े हैं, उसमें से ये एक ऐसी योजना है। आज सरकार ने सोचा कि हम ब्यूरोक्रेसी के फंदे से निकलकर, बाहर निकलकर जनता के बीच में जाएंगे, हम अपनी माताओं बहनों के पास जाएंगे, अपने भाई बंधुओं के पास जाएंगे। और आज हमने एक नहीं, दो नहीं, लगातार तीसरे वर्ष ये कर दिखा दिया। हमने कोरोना की मार झेली, हमने ना जाने कितनी परेशानियां झेली 4 वर्षों में, लेकिन आज हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैं यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री को बहुत सहृदय धन्यवाद देती हूँ कि धनबाद जिले में जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो ये कार्यक्रम सदैव गोल्फ ग्राउंड में शहर के बीचों बीच हुआ करता था। लेकिन अभी विधानसभा सत्र जब चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री से बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कहीं दूर हटकर होगा जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग वहां आसानी से आ सकें। शहरों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, शहरों के बारे में सब सोचते हैं लेकिन गांवों के बारे में कम लोग सोचते हैं। और मुझे खुशी होती है कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जो गांवों के बारे में ज्यादा सोचती है। आज आवास का पैसा केंद्र सरकार ने रोक कर रखा था। माननीय मुख्यमंत्री की यह दृढ़ निश्चयता है कि आज अबुआ आवास योजना से अनेकों लाभुकों को राज्य सरकार स्वयं खुद इसका खर्च वहन करते हुए, केंद्र सरकार की ओर मुंह ना देखते हुए, राज्य सरकार स्वयं आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। ये सरकार लगातार जनहित, जन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ रही है। आप सब ने इसका सदैव साथ दिया है और विनती है कि सदैव साथ देते रहिएगा। समय संक्षेप है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित हैं, बहुत सारी बातें आप सबको उनसे सुननी होगी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, जोहार, नमस्कार।